दोस्तों अब आ गया नॉन पोलराइज कैपेसिटर। नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो भाई रिपेयरिंग कर रहा है इस चीज को देख के हंस रहा होगा, क्योंकि ये वाला नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो है कितना सारे पैसा हम लोगों को दे जाता है ना। ये बहुत ज्यादा खराब होता है 19 वोल्ट सेक्शन में। नॉन पोलराइज का काम क्या होता है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को नॉन पोलराइज कैपेसिटर अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करता है। मान लीजिए ये 20 वोल्ट चार्जर लैपटॉप का, ठीक है, आप मतलब दो गेट पार होके यहां पर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टर सीएलआर मिलेगा। ये जो है चार्जिंग आईसी इसको ऑपरेट करता है। अगर एन चैनल का हुआ, अगर पी चैनल का है तो वोल्टेज डिवाइडर डाल के इसको वोल्टेज को पार किया जाता है 20 वोल्ट इधर सीएलआर पे। अब देखिए लैपटॉप मदरबोर्ड में मतलब बहुत सारे मतलब छोटे छोटे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर आपको कहाँ मिलेगा, जैसे हमारा 1 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है रैम आईसी में कितना 1.35 का, या जो जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है सीक्वेंस के हिसाब से वो छोटे छोटे वोल्टेज में डिवाइड हो जाता है। तो एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो रेगुलेटर आईसी है 3-5 का आईसी, इस आईसी को एनेबल करने के लिए आपको ये जो आपको 20 वोल्ट इधर सीएलआर में मिलता है ये वीसीसी नाम से इसको मतलब एंटर किया जाता है। जब इसमें 20 वोल्ट एंट्री होगा तब जाके ये आईसी वर्क करने लगेगा। और भी सारे कंडीशन है वो स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 20 वोल्ट मतलब हर ज़्यादातर जो स्टेप डाउन आईसी है उसमें लगाना मतलब एंट्री होता ही है वो। तो इस पाथ में जो है ऐसा करके नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगाए दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का प्रोटेक्शन भी है। दूसरा जो अगर यहाँ से करंट ज़्यादा आ गया मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आ गया तो उसको तुरंत ये ग्राउंड कर लेगा। यहाँ पर 20 वोल्ट जो है आपको कांस्टेंट आपको देगा इधर। अगर ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, ग्राउंड से टकरा गया, तो ये जो 20 वोल्ट इधर मिल रहा था इसको वापस चार्जिंग वापस रिवर्स जाएगा, इसको वापस घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये कैपेसिटर नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हुआ है। आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है, दूसरा नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा देना है। इसका जो कलर है वो येलो बॉडी में है, येलो बॉडी और दो तरफ सिल्वर लाइन। ठीक है, येलो बॉडी सिल्वर लाइन ऐसा दिखेगा, ये आएगा सिल्वर लाइन। आपको लैपटॉप मदरबोर्ड में मैं दिखाऊंगा कौन सा पोलराइज्ड है कौन सा नॉन पोलराइज्ड है। ये हो गया सिल्वर लाइन, और ये आएगा येलो बॉडी। ठीक है, इसको आपस में बीप नहीं देना चाहिए। जैसे अगर इसका चेकिंग करने का तरीका जो चेक करते हैं, इस पाथ में मल्टीमीटर लगाएगा, ब्लैक प्रो रेड प्रो जो भी लगाए इस पाथ में लगाएगा, दोनों 0 ओम पे अगर बीप कर गया तो वो शॉर्टिंग है। उस शॉर्टिंग को ही हम ज़्यादातर मतलब 19 वोल्ट शॉर्ट बोलते हैं, 19 वोल्ट शॉर्ट बहुत पैसा देगा ये, अगर समझ लिया आपने। मतलब बहुत सारे लैपटॉप में जैसे बारिश का मौसम होता है, बिजली गड़कता है, तो उस कंडीशन में नॉन पोलराइज कैपेसिटर ज़्यादातर शॉर्टिंग मिलते हैं, तो उसको कुछ नहीं करना होता है, बोर्ड को खोलिए फिजिकली दिख जाएगा आपको, बस उठा के नया डाल दीजिए, हो गया आपका बोर्ड रिपेयर। और एक बात, ये कैपेसिटर एक तरह का प्रोटेक्शन भी है। कैसे प्रोटेक्शन है वो बता रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए इस चीज को ध्यान से समझिए आप। अब एक कस्टमर लैपटॉप लेके आया, इनका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, यानी 19 वोल्ट हमारा मतलब उस लैपटॉप में शॉर्ट है। अब शॉर्ट कहाँ होता है, ज्यादातर 3-5 IC में होता है। 3-5 IC में जो बाहर में जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है उसमें शॉर्ट रहता है ना, दो कैपेसिटर रहता है नॉन पोलराइज। तो ये कैपेसिटर अगर एक बार के लिए शॉर्ट हो गया, अगर 19 वोल्ट यहां से वापस गया, मतलब शॉर्ट हो गया 19 वोल्ट इधर ग्राउंड हो गया, तो ये कम से कम मतलब एक घंटा, आधा घंटा या एक दो दिन इस 19 वोल्ट को झेल सकता है। अगर यूजर बार बार बोले कि मेरा लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा है, बार बार लगाते खोलते लगाते हैं, तो इसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, बोर्ड में इतना बड़ा होल सा हो जाता है, मतलब ये रिपेयर होने की मतलब जो अंदर जो ट्रैक होता है वो ट्रैक बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, मतलब ये एक तरह का प्रोटेक्शन भी है बोर्ड को, मतलब ज़्यादा अगर कस्टमर ऑन करना चाहे तो उस टाइम में ये नुकसान हो जाता है, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने तक ये जो नॉन पोलराइज शॉर्टिंग भी है फिर भी 19 वोल्ट को वापस रिटर्न कर रहा है। जब रिटर्न करने का ताकत इसमें ख़त्म हो जाएगा तब जाके बोर्ड में नुकसान कर देगा। तो एक तरह का क्या है, प्रोटेक्शन भी है। देखिए दोस्तों, लैपटॉप रिपेयरिंग में उतना आसान काम है नहीं और इतना मतलब इतना आसान है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं भाई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, तो उनको जॉब भी नहीं लग रहा है। तो अपना काम करो, कुछ टाइम लगाओ, वक्त लगाओ, तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। जितना हो सके तो मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बहुत सारे इंजीनियर भी है वो कोर्स कर रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी जा सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आप लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल सीख सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ताइवान में जितने ICR जो है प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे पास सब कुछ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। आप देखिए लैपटॉप कितने सारे लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल कितने सारे लोग यूज़ करते हैं। अगर छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, इसको रिपेयर करने के लिए कोई सिटी में जाते हैं, मतलब उतना जितना इंजीनियर होना चाहिए उतना इंजीनियर होता नहीं है, तो उस वजह से बहुत सारे बोर्ड जो है मतलब यूज़र को नया खरीदना पड़ रहा है। तो चाइना में देखिए, चाइना में कोई भी लैपटॉप मतलब ख़राब हो जाता है, वो किसी भी दुकान में ले जाइए, वो हाथों हाथ खोल के बना के दे देता है। क्यों, वो मतलब मेहनत को मतलब पूरा लगन से काम करते हैं। तो आप भी ऐसा हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। और ये जो बता रहा हूँ ये इंजीनियर के इंजीनियरिंग लैंग्वेज से नहीं मैच करेगा, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह काफ़ी लोगों से मतलब मैं फीडबैक भी ले रहा हूँ, तो सेटिस्फाई है इंशाल्लाह। तो बने रहे हमारे साथ, आपको मैं बोर्ड में दिखाऊंगा कौन सा पोलराइज कैपेसिटर है, कौन सा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम जवाब देने का जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।